हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया अच्छे से, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देख लिया, फैक्टराइजेशन भी हमने अच्छे से देख लिया, तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन सेशन के तौर पे, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयरली पूछा गया है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं अगर वो पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा रहा है, या आप ऐसा समझिए कि नंबर सिस्टम से वो ज्यादा, जैसे कि अभी आप युवा कल्याण में देख लीजिए या आप मंडी परिषद में देख लीजिए, तो एक नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो एक उसके लिए ट्रेंडिंग है, तो अगर फिर से उसी के हाथ में जा रहा है पेपर बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा रखेगा और थोड़ा एडवांस लेवल का रखेगा। तो यहाँ पे जरूरी ये हो जाता है हमारे लिए कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, ताकि एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन स्किप ना हो। तो रिमाइंडर में हमने देखा था कि एक तो आपका रिमाइंडर थ्योरम था, ठीक, एक आपका रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के अंदर में हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई n1 और n2 है, n1 into n2, उसे किसी नंबर d से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे जो रिमाइंडर बच रहा था रिमाइंडर ऑफ n1, और यहां पे जो रिमाइंडर बच रहा था रिमाइंडर ऑफ n2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते थे, है ना, दोनों के किसके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लेते थे, और इनका मल्टीप्लीकेशन अगर डी से ज्यादा चला जाता था तो हम दोबारा से इसे क्या कर लेते थे, फिर से डी से डिवाइड कर लेते थे, ताकि हमें रियल रिमाइंडर पता चल जाए। कई जगह हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट देखे थे, उस पर क्वेश्चन किए भी थे। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं यहां पे मिल जाएंगे आपको। आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप ज्यादा बेहतर से समझ भी पाओगे कि क्या सामने क्वेश्चन चल रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को लेके, एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहला है, ऐसा समझिए कि 27/26 और इसकी पावर कुछ भी हो, मैं बोल दूं 555, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रिमाइंडर, आप शेषफल पता करो, इसका शेषफल क्या होगा। तो जैसा कि हमने फर्मट थ्योरम से देखा था कि इसके बीच में अगर मुझे कोई रिलेशन ऐसा दिख जाता है कि इसके बीच में अंतर क्या हो, एक का हो, तो वहां पे हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप जब भी 27 को 26 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी ये लिख और कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 1/555/26। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, एक ही आएगा, यानी ये लिखा है 1/26, और 1/26 का रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा, एक आएगा। यही पे इसी क्वेश्चन में अगर ये 26 ना होके 28 होता तो हमारा क्वेश्चन बदल जाता, हमारा आंसर भी बदल जाता। क्यों बदल जाता, देख लो भाई, अभी जब आप 26/27 कर रहे थे, है ना, यहां पे ऐसा समझिए, जब आप 27/26 कर रहे थे तब आपका क्या हो रहा था, ऊपर एक आ रहा था, लेकिन अभी मैं बदल दिया हूं, ऊपर 27 है और नीचे क्या हो गया, 28 हो गया है, तो अब रिमाइंडर एक ना मिलके क्या मिलेगा, -1। देखो, नेगेटिव रिमाइंडर की हम लोग बात किए थे कि ऐसा बोले कि या तो इसके पास 27 है या इसके पास एक कम है ग्रुप बनाने के लिए, तो मैं बोलूंगा इसका रिमाइंडर क्या है, -1, और ये बटे 28, और इसकी पावर क्या लगी हुई है, 555। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब -1 मिलता है, देखिए 27/28 से छोटा है इसलिए -1, जब -1 मिलता है तब हम देखते हैं कि ये आपका इवन है कि ऑड है। इवन ऑड इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर ये पावर इवन होगी, मतलब -1 का गुणा अगर आप इवन बार करोगे तो ये बल्कि क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, लेकिन -1 का गुणा अगर आप ऑड बार करोगे तो ये -1 ही रह जाएगा। इस कारण हमें इवन ऑड देखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्योंकि ऑड है और ऑड है तो ये क्या आएगा, -1 ही आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर -1/28, तो इसका मतलब रिमाइंडर -1, और रिमाइंडर माइनस में कभी होता नहीं, उसे रियल फॉर्म में लाने के लिए इसमें जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसे जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। थ्री अपॉन 162 की पावर 162, अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने,
ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस आपका एक हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि तीन की पावर कुछ ऐसी बढ़ाएं कि ये इसके क्लोज जाए। भाई तीन की पावर वन क्या होता है, तीन, तीन की पावर दो क्या होता है, नौ, तीन की पावर तीन 27, तीन की पावर चार 81 मिल गया हमें। जैसे ही 81 मिल गया तो 81 into 2 ही तो 162 है। बस अब कुछ मत करो, यहाँ पे आप 81 बाहर ले लो, और 81 अगर बाहर लोगे तो इसका मतलब ये है क्या 3 की पावर 4 है, और 3 की पावर 4 अगर यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 158, ठीक 62 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 162 लिखा हुआ है। और ये कुछ नहीं आपका क्या है, ये आपका 81 है। 81 कितनी बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा। तो अभी देखिए ये आपका कुछ ऐसा बन गया 3 की पावर 158 अपॉन 2, तो 3 की पावर 158 अपॉन 2 हो जाएगा, हमारा फिर से फॉर्मेट थ्योरम बन गया, यानी इसके इसके बीच का अंतर एक हो गया, और एक हो गया तो 1 की पावर 158 अपॉन 2 लिखा है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1/2, यानी कि शेष क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या 1 आपका उत्तर है, नहीं 1 आपका उत्तर भी नहीं है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट किए हो, कुछ उसे रिमूव किए हो, तो बाद में जितना आप रिमूव किए हो उतना आपको फिर से गुणा करना पड़ता है। तो क्या रिमूव किए थे, 81, तो यहां पे 81 से फिर से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर क्या आएगा, रिमाइंडर 81 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ऐसा आता है तो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ ऐसा निकल आए कि हमारा जो ये फॉर्म हो डिफरेंस किसका मिल जाए, एक का मिल जाए। अल्टीमेटली हमें फॉर्मेट थ्योरम का बनाना होता है ताकि ये हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है 2 की पावर 51 अपॉन 5, है ना, ये एक क्वेश्चन है। अभी इसमें भी आपको ऊपर नीचे डिफरेंस वन दिख नहीं रहा है, और अगर डिफरेंस वन दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस वन बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं चेक करूंगा कि क्या 2 की कोई ऐसी पावर है कि इसके इसके बीच का डिफरेंस एक हो जाए, है भाई। अगर यहां पे 4 होता तो डिफरेंस माइनस वन का मिलता कि नहीं मिलता, आराम से मिलता। तो मैं इसे सबसे पहले 4 बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसे ही तो 4 नहीं बन जाएगा। 4 बनाने के लिए यहां पे 2 की पावर 2 होनी चाहिए, और अगर यहां से 2 लाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 51 अपॉन 2। देखिए यहां पे दिक्कत होने लगा, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में पावर नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 2 को यहां पे लिख लेंगे, फिर ये लिखेंगे 2 की पावर 50 अपॉन 5। ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट थ्योरम में पढ़ो ये होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। आगे भी हम लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारा ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। अब मैं इसे आसानी से कर सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, या ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 2, 1 2 अंदर लाया तो वहां पे क्या बचेगा, 25 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 5। इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब ये कुछ और नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, और यहां पे अंतर कितने का हो गया, 1 का हो गया, 1 उससे कम है, तो मैं इसे लिखूंगा 2 इंटू माइनस 1 की पावर 25 अपॉन 5। माइनस 1 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 5, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, माइनस 2, और माइनस में होता नहीं तो इसमें हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 इसका आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है दिमाग से स्किप हो जाता है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आपको ये फॉर्म बनाने में आती है। आपको ये नहीं पता होगा कि मैं 2 क्यों निकाल रहा हूं, यहां पे निकालने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना निकालूं, तो ये हमें चेक करना होता है। मैं 2 इसीलिए यहां पे निकाला ताकि ये इवन बन जाए, क्योंकि अगर ऑड रहता तो क्या बन रहा था, 51 अपॉन 2 बन रहा था, इस कारण हमने 2 इसे क्या कर लिया था, बाहर कर लिया था। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, 17 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 अपॉन
23, ये 29 है, ठीक। 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 अपॉन 23। अभी इस क्वेश्चन में भी वो क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसा वाला फॉर्म है ना, n1 प्लस n2 अपॉन d। यहां पे क्या करते थे, n1 अपॉन d अलग कर लेते थे और n2 अपॉन d अलग कर लेते थे, बस इसी फॉर्म पे हम कुछ लगाएंगे। तो 17 की पावर 23/23 प्लस 29 की पावर 23/23। देखिए मैं समझाने के लिए आपको इतना स्टेप लिख रहा हूं, जब आप एग्जाम में होगे तो आपको ये सब स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसे इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 17 3 20 3 23, यानी कि कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, -6 की पावर 23/23, और यहाँ पे ठीक ऐसे ही 23 से कितना ज्यादा है, 29, 6 ज्यादा है, तो ये प्लस का 6 की पावर 23/23। अब आप देखो कि ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और यहां पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने गुजरना बहुत जरूरी है, ताकि हमें जब एग्जाम में हो तो ऐसा ना हो कि पहली पहली बार मिल गया, ऐसा क्या हो गया कि अरे ये क्वेश्चन इतना टफ आ गया, क्वेश्चन कुछ नहीं टफ है, सब में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब में फॉर्मेट थ्योरम बन रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, या कुछ नहीं बचा तो साइक्लिसिटी लगा लेंगे। साइक्लिसिटी तब लगती है जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस ना दिखे, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन है 9 की पावर 111/11। अब तो मेरे ख्याल से आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये आप कैसे निकालोगे। अभी देखो, क्या आपको यहां पे डिफरेंस 1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, -2 का, 9 11 से कितना छोटा है, 2 छोटा है। क्या कोई वैल्यू आप सोच सकते हो कि यहां पे डिफरेंस कितने का आ जाए, 1 का आ जाए, भाई 9 9 81, फिर 81 पे जाओगे तो वो तो बड़ा होता चला जाएगा, फिर इतना जल्दी सोचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अल्टीमेटली हमें साइक्लिसिटी का हेल्प लेना पड़ता है। देखिए साइक्लिसिटी कुछ नहीं है, जो आप प्रोसेस सोचोगे ना कि कितने कितनी पावर बढ़ा दी जाए 9 की कि ये डिफरेंस 1 आ जाए, उसी का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म साइक्लिसिटी है कि हम इसे कैसे ग्राफिकली देख पाए एकदम लिख के। तो देखिए, अगर 9 की पावर 1/11 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 9 आता, 9 की पावर 2/11 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 9 9 81, 81/11 भाई 77 जाता है, 3 1 4, 9 की पावर 3/11 होता तो इसी में हम किससे कर लेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे तो 36, और 36/11 कितना आ जाएगा, 33 जाता है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 9 की पावर 4/11 करेंगे तो यहां पे किससे करने पड़ेगा, फिर से 9 से कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 27, फिर कितना होगा, 27/9 रिमाइंडर आएगा, 27/11 रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 22 जाएगा, तो 5 रिमाइंडर आपका बचेगा। फिर 9 की पावर 5/11 निकालेंगे तो 5 फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45, और जैसे ही 45/11 होगा, शेष क्या दे देगा, 1, और जैसे ही शेष 1 मिल जाता है, हमने यूनिट डिजिट में भी देखा था कि साइक्लिसिटी का लास्ट टर्म है ना कहां तक जाते थे कि साइकिल रिपीट होने लगती थी, यहां पे भी वही जाएंगे, जैसे ही रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अब फिर से मल्टीप्लाई होके 9 की पावर 6/11 क्या 9 ही तो आएगा, क्योंकि 1 में आप 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो साइकिल फिर से रिपीट होने लगेगी। इसका मतलब ये साइकिल कितने टर्म का है, 5 टर्म का है। तो अगर साइकिल 5 टर्म का है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। आप इस बात को समझिएगा, साइक्लिसिटी से घबराना नहीं है, साइक्लिसिटी और कुछ नहीं। अगर आप 9 की पावर 5 सोच पाते, लेकिन क्या आप 9 की पावर 5 सोच पाओगे भाई, बहुतों को तो याद होता है तो 81, किसी और को याद होगा तो 729, इससे ज्यादा किसी को नहीं याद होता, तो 9 की पावर 5 कैसे याद रहेगा, फिर तो एग्जाम में आप सोच नहीं पाओगे। वो सोचने के लिए
वो जो है कि कितने पे जाके हमारा डिफरेंस एक हो जाएगा, ये जो एक रिमाइंडर आता है ये और कुछ नहीं, बस यही बताना चाह रहा है, वो आपके कितने स्टेप बाद आएगा, 5 स्टेप बाद आएगा। तो 5 स्टेप बाद साइकिल फिर से वही चलने लगेगी, तो हम 111/5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 111 को 5 से, या फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और जो रिमाइंडर होता है वो बताता है कि साइकिल का वही टर्म ही आपका उत्तर होगा। तो साइकिल का पहला टर्म क्या आ रहा था, रिमाइंडर 9 आ रहा था, यानी इस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, अगर हमें डिफरेंस नहीं पता चलता है तो हम उसे साइक्लिसिटी पे लगा लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, मैं करा दे रहा हूं, हालांकि कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इन केस पूछ लेता है तो एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखे होना चाहिए। कुछ फैक्टोरियल में होता है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे से बढ़ता चला जाएगा, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5। इसमें पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो अभी आप देखिए, फैक्टोरियल मतलब होता है n, फैक्टोरियल मतलब होता है n(n-1)(n-2)। तब तक चला जाएगा जब तक ये 1 ना हो जाए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2/5 रिमाइंडर 2 मिलने वाला है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 × 2 × 1 यानी 6 होता है, तो 6/5 रिमाइंडर 1 देगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 24 होता है, तो 24/5 रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1। अब जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसमें क्योंकि एक 5 छुपा हुआ है तो ये क्या पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब में क्या हो जाएगा, एक 5 छुपा रहेगा, तो अब इसके आगे क्या देने लगेगा, रिमाइंडर 0। तो हमें मतलब केवल इससे रह जाएगा 4 फैक्टोरियल तक हम कर लें तो ये 1 - 1 तो 0 दे देगा, कितना जाएगा 3, और 3/5 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मैं तेजी से बता दिया हूं, आप वीडियो को फिर से पीछे जाके देख सकते हैं अगर समझ में ना आए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पे जितना टफ क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपको दिखता है उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी होता है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। तो चलिए, ये तो कुछ रिमाइंडर के क्वेश्चन थे, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं कि अगर कोई नंबर है, किसी नंबर को किसी डिवीजन से डिवाइड किया जाता है तो शेष इतना बचता है, फिर उसे दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, ऐसा करके वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो उस पे करने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं जल्दी से फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वक्त कम है, हमें भी मालूम है वक्त कम है, इसलिए जितने जल्दी में जितना ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कम से कम समय में, लास्ट टाइम में आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, अच्छी रणनीति जिसे स्ट्रेटजी बोलते हैं, यही एक तरीका होता है सफलता पाने का। तो अगर हम सबको सफल होना है तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन आते हैं जल्दी से फैक्टराइजेशन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 के सारे गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 80 एक नंबर है और इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमने 720 का एग्जाम्पल लेके पूरा का पूरा डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात होती है, गुणनखंड निकालने की बात होती है, तो क्या करते हैं, पहला काम इसे फैक्टराइज करते हैं। आपके पास ओल्ड स्कूल मेथड है तो उससे कर लीजिए, मेरे पास ये मेथड है तो मैं इससे करूंगा। तो ये 2³ × 2⁵ × 4⁵। 80 का फैक्टराइज फॉर्म में, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, अगर किया जाए तो क्या आएगा, 2⁴ × 5 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा है, तो हम जानते थे कि किसी भी नंबर का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है और वो संख्या
कैसे लिखी हो, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r ऐसे कुछ लिखा हो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और कुछ नहीं p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 और ये बढ़ता चला जाएगा। बस इसी के मदद से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पे ये नंबर इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है, तो p प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, और ये कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब पावर 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 10 होंगे। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत निकाल लोगे, नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप जान जाओ। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, और इस बार कह रहा है कि 80 की जगह 1420 के सारे गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभी आपसे 80 का पूछा, हमने 720 का पहले लेक्चर में देखा, तो 1420 भी निकाल लेंगे। करना क्या है, फैक्टराइजेशन ही तो करना है, तो फैक्टराइजेशन कर लो। चलो मैं आपके मेथड से कर दे रहा हूं, ये 2 से जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 710, फिर से 2 से जाएगा ये 35, कितना आएगा 5, फिर 5 से कर लें ये 7, ये 1 अब नहीं जाएगा क्योंकि 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी कि अगर हम 1420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे हैं, ये a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 5 का पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 7 की 71 की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 3 दुनी 6 दुनी 12 ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस बार क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 240 का कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड की बात किया है, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी आपसे क्या बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। इस बार इसने क्या पूछा, प्राइम फैक्टर्स की बात पूछ रहा है, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो यहां पे आंसर थोड़ा बदलेगा, आंसर कैसे बदलेगा देखते हैं। 240 को आप क्या लिख सकते हो, 24 गुणे 10, ये कितना लिखा है 8 गुणे 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3, और ये 2 इंटू 5, यानी कि अगर हम 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए, अगर आपको इतना क्लियर है कि 240 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होगा, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, प्राइम फैक्टर्स टोटल नंबर पूछ रहा है। इस बार ये गलती हम नहीं करेंगे कि इसे 5 गुणे 2 गुणे 2 कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा आपका उत्तर। वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो एक तो आपके पास 2 है, एक 3 है और एक 5 है, यानी एक ये टोटल कितने हो गए, 3। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया रहेगा 3, बी आपका कितना दिया रहेगा 6, सी दिया रहेगा 5 और डी दिया रहेगा 9। जैसे आप 3 देखोगे टिक मार दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन जो ये 2 है ऐसे कितने हैं, 4 हैं। तो यहां से हमें 4 मिल रहा है, यहां से हमें 1 मिल रहा है, यहां से हमें 1 मिल रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। तो जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो आप क्या करो, जो भी पावर है उसको क्या कर दो, जोड़ दो। पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था तब हम एक एक जोड़ के गुणा कर रहे थे, और जब अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या पूछ रहा है तो हम केवल उसके मैक्सिमम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रहे, अलग अलग प्राइम नंबर्स के 2, 3 और 5 तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब हमें उन्हें काउंट करना है केवल, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, 30 की पावर 26 इंटू 25 की पावर 51 इंटू 12 की पावर 23। ये कुछ क्वेश्चन है ऐसा, और यहां से आपसे पूछना चाह रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, दोनों यहां पे डिस्कस कर ले रहे हैं,
अगर वो पूछे टोटल फैक्टर्स कुल गुणनखंड और पूछे टोटल प्राइम फैक्टर्स कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, दोनों में डिफरेंट उत्तर आएंगे। जब वो टोटल प्राइम फैक्टर की बात कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, प्राइम वाले फैक्टर को जोड़ देंगे। लेकिन गलती कहां पे होती है, अभी जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो भी पावर है उसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन मैं फिर से क्या बोल रहा हूं इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चन में बताया कि जो आप पावर काउंट करोगे वो किसकी काउंट करोगे, प्राइम नंबर्स के पावर को काउंट करोगे। 30 आपका प्राइम संख्या है क्या, प्राइम नंबर है क्या, अभाज्य संख्या है नहीं, 25 आपका अभाज्य संख्या है नहीं, ना ही आपका 12 अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला काम मुझे इसे प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो 30 क्या लिखा होता है भाई, इसे तोड़ोगे तो 6 × 5 और 6 क्या होता है 2 × 3 × 5 की पावर 26 ये लिखा है, ठीक है। इसे ये क्या लिखा हुआ है 25 क्या लिख सकते हो 5 × 5 की पावर 51, यहां पे क्या लिख सकते हो 3 × 2 × 2 की पावर 23। ध्यान दीजिएगा अभी मुझे कुछ प्राइम के फॉर्म में दिखने लगा क्योंकि अब जो दिख रहा है वो 2, 3 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ये कुछ और नहीं, ये लिखा है 2 × 5 × 26 × 3 × 5 × 26 × 5 × 51 × 5 × 51 × 3 × 23 × 2 × 23 × 2 × 23। अब आप इसे क्या करें, कलेक्ट कर लें, कंबाइन कर लें। दो यहां दिख रहा है, दो यहां दिख रहा है, दो यहां दिख रहा है, सबको जोड़ लें तो 23 23 तो 46 यही हो गए, और 26 46 और 26 तो 2 की पावर 26 + 46 हो जाएंगे 23 यहां के 23 यहां के और 26 यहां के। ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n होता है, a जब सेम हो, दो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो आपस में सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 6 12 4 2 6 1 7 72। 46 और 26 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। 3 के पावर को सारे क्लब कर लेते हैं तो 3 की पावर 26 और 22 कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 2 2 4, ठीक। 3 और कहीं और तो दिख नहीं रहा है, यहां यहां दिख रहा है। अब आपके पास केवल बच रहा है 5, तो 5 की पावर 51 51 102 यहां पे हो गया और 26 यानी कि 102 + 26 क्या हो जाएगा, 128। अब आपसे वो कुल क्या पूछ रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे हैं प्राइम, तो आप क्या कर दोगे, 72 + 48 + 128 ये मिलके आपके हो जाएंगे 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 248। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, यहां पे क्या था 30 25 और 12, हमने इसे तोड़ा क्योंकि 30 6 × 5 होता है, तो 3 की पावर 26 मिला, 2 की पावर 26 मिला, 5 की पावर 26 मिला, यहां पे 25 5 × 5 होता है, तो 5 × 5 5 की पावर 51। हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, 25 है तो इसे लिख सकते थे 5 की पावर 2 और ये आगे चल के क्या हो जाता 5 की पावर सीधा 102, ऐसे भी लिख सकते थे। 12 में 4 × 3 होता है तो 3 1 2 2, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये 23 है ना, 22 नहीं, 3 की पावर 23, तो यहां पे 3 की पावर बढ़ जाएगी 49, यहां पे भी 49 हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 249। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। अभी आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 2450 के कुल इवन फैक्टर कितने होंगे। अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे, उसके बाद क्वेश्चन क्या किया, प्राइम फैक्टर्स की संख्या देखे। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, 2450 का इवन फैक्टर पूछना चाह रहा है। जैसे हमने देखा नहीं था कि 24 है तो 24 के फैक्टर क्या क्या, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इसमें अगर मैं सम फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या की बात करूं तो 1 2 आपका सम है, 4 सम है 6 है 8 है 12 है 24 है, कितने 1 2 3 4 5 6, यहां पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6 है, ठीक। ऐसे वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, 2450 के कुल सम गुणनखंड कितने हैं, तो
पहला काम तो आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में जब भी फैक्टर्स पूछना चाहे क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास जो भी मेथड हो आप उससे करो। चलिए मैं आपके मेथड से कर दे रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1225, 5 से देख लेते हैं, तो 5 दो नहीं 10, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से देख लेते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45, अब ये 7 एक बार जाएगा और एक बार 7 और जाएगा। यानी कि अगर हम 2450 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 है। और इसका क्या पूछना चाह रहा है, इवन फैक्टर पूछना चाह रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो हमने देखा था, फॉर्मूला भी पढ़े थे, कि जब भी सम गुणनखंड आपसे पूछता है तो सम गुणनखंड तभी देगा जब एटलीस्ट एक दो हो उसमें। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या करते थे सम वाले में, हम जो इसकी पावर है रियल वही ले लेते थे और बाकी में एक एक जोड़ देते थे। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2+1=3, यहाँ पे 2+1=3, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 2450 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 9 होगी। मैं यहाँ पे फिर से जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि कोई भी नंबर n a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r होगा और उसके इवन फैक्टर्स की बात पूछ रहा हो, क्या इवन फैक्टर्स की बात पूछ रहा हो, सम गुणनखंड की बात पूछ रहा हो, तो p को एज इट इज लिख लेंगे, इंटू q प्लस 1 कर लेंगे, इंटू r प्लस 1 कर लेंगे। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बस वही हमने किया, क्या आ गया, 9 आई। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि ऑड फैक्टर क्या है, तो क्या करते, ऑड फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑड फैक्टर के लिए यहां पे कुछ नहीं लेते थे, केवल क्या लेते थे, 1 लेते थे और ये क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अब क्योंकि दोनों केस में 1 ही रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर भी 9 आ जाएगा और टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर हो जाएगा इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड, यानी कि 9+9 कितना हो जाएगा, 18 हो भी जाएगा। अगर इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1+1=2 और ये 3 और ये 3, 3 3 9 दूनी क्या होता, 18 होता। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आप जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, यही एक सफलता की कुंजी है और कुछ नहीं है। किसी के पास कोई जादू नहीं होता कि आपको बता देगा, ये सब आप पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के, अभी संख्या थोड़ा बदल रहा है, संख्या है 360। बोले कि 360 के सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा, संख्या 360 के सारे गुणनखंडों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। जब भी योग की बात किया था मैं, तो आपसे बोला था कि इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता है, एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं, लेकिन पूछेगा तो आपको ये नंबर क्या दे देगा, इजी दे देगा, आसान दे देगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो फिर से वही बात, फैक्टराइजेशन के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के लिए ये 36×10 लिखा है, ये 6×6 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक, ये क्या लिखा है, 2×5। अगर इसे 360 को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जाए तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, यही तो हमने 720 पे ऑलरेडी करके देख चुके हैं, इस बार 360 पे करके देख लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिखा नहीं होता, ऑमिटेड होता है, आप हमेशा समझो एक ही लिखा है। इसके कुल फैक्टर्स का सम पूछ रहा है, तो एक जनरलाइज पे मैं पहले आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि कोई नंबर a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, कि फॉर्म में लिखा है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे गुणनखंडों के संख्या का योग, सारे गुणनखंडों का योग क्या होगा। हम क्या करेंगे, a की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 1 a की पावर 2 ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगे, ए की पावर पी तक जाएंगे, ठीक है। सर बी की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बी की पावर 1 बी की पावर 2 कहां तक जाएंगे, b
बी की पावर क्यू तक जाएंगे, और ठीक ऐसे सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 ऐसे ऐसे सी की पावर आर, और ये ऐसा सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो 360 का हमें कुल फैक्टर्स का सम निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कहां तक जाएंगे, 2 की पावर 3 तक, P तक जा रहे हैं ना, देखिए तो यहां पे क्या जाएंगे 3 तक जाएंगे। फिर से नेक्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कहां तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, फिर से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, क्लियर। अभी आपको देखो यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन है ये एक है, और इसीलिए यहां पे दो आपके टर्म्स बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसे जोड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 + 2 = 3, 4 + 3 = 7, और 7 और 8 = 15, यहां पे देगा 15 × 1 = 3, 4, और 4 और 9 = 13 × 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5 यानी कि 6, इसे हम गुणा कर लेंगे हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो यहां पे 360 के कुल गुणनखंडों का योग पूछा था, हम 0 से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, ऐसे इसमें जाएंगे ऐसे इसमें जाएंगे, और फाइनली जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 15 × 90 × 13 1080 सॉरी चलिए कर लीजिएगा आप 90 × 13 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। हाँ, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 544 के सारे ऑड फैक्टर्स का सम बताओ, नंबर अच्छा सा है, देखते हैं क्या है, लेकिन इस बार आपसे सारे फैक्टर्स का योग नहीं पूछा है, आपसे केवल विषम गुणनखंडों का योग पूछा है। 544 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा यह आपसे पूछा है। सबसे पहला काम आप फैक्टराइज करोगे, 2 से जाएगा 27, ठीक, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, कितना जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 13 × 2 = 26, 12, फिर 2 से जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा 2 × 3 = 6, 4 × 8, और फिर 2 से जाएगा 17, और 17 आपका प्राइम नंबर है, अब ये 17 ही रह जाएगा, क्लियर। तो अगर हम इसके फैक्टराइज फॉर्म को लिखे 544 के, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 544 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 × 17 की पावर 1, ठीक, 544 का प्राइम फैक्टराइज फॉर्म ये हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सारे विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो जैसे हम विषम गुणनखंड निकालते थे और उसमें क्या लेते थे, केवल और केवल एक लेते थे, ऐसे ही सम निकालने में इसका क्या लेंगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 5 तक ना जाके केवल यहां पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, और यहां पे 17 की पावर 0 + 17 की पावर 1 करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 17 × 1 = 18। तो इसके कुल ऑड फैक्टर्स का योग क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये आपके कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे, हमने रिमाइंडर का भी क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन सेशन हम करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, साथ साथ में आपको हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, डीपीपी देते रहेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देख पाओ। क्योंकि एक बात तो तय है, ये जो आप पेपर देने जा रहे हो इसका लेवल आपका अच्छा रहेगा। और आप जब ऐसा उम्मीद लगाओ, वीडियो का पेपर आप देखें 10+2 लेवल का था, 10+2 लेवल के पेपर को इतना अच्छा बना सकता है, मंडी परिषद के पेपर को देखें उसे इतना अच्छा बना सकता है, तो फिर लोअर का तो पेपर बहुत अच्छा बनाएगा वो। हमें पहले से ही चुनौती लेने के लिए तैयार होना चाहिए, हमें सारे टर्म्स कंडीशन देख लेने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में ये दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हमारी इसी से जुड़ी, एलसीएम एससीएफ हम देखेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे और सीखते चलेंगे। धन्यवाद।